नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ट्रम्पेट का एक साउंड मॉडिफाई किया था, तो आज हम उसी साउंड से ट्रम्पेट की टोन बनाएंगे। तो कीबोर्ड को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड अपना ऑन हो चुका है बाई डिफ़ॉल्ट, और वो टोन थी हमारी 125 नंबर पे कल हमने बनाई थी यूज़र टोन में। तो ये मैंने यूज़र का बटन प्रेस किया और यहाँ पर यूज़र वन आ गया, तो 125 नंबर पे चलेंगे अब हम। देखिए, ये देखिए, मैंने पहले ब्रास तो फ्लूट और ये सब मैंने बनाए हुए हैं, तो 125 नंबर पर लैटिन ट्रम्पेट ये हमने मॉडिफाई की थी। अब दोस्तों, इससे कैसे हमें अपनी टोन बनानी है, तो चलिए आज हम इस पर बात करेंगे। तो ये केवल टोन को हमने एडिट किया था, हमने यूज़र टोन को, तो अभी यूज़र में डाल दिया था हमने इसको सेव करके। तो अभी देखिए क्या करना है हमें, फंक्शन, मैं यहाँ से फंक्शन प्रेस करूँगा और देखिए यहाँ पर अब ये राइट टोन पूछ रहा है, क्या आपको टोन राइट करना है, नहीं करना मुझे। तो मैं अब कैटेगरी से आगे पीछे जाऊंगा, सेलेक्ट से राइट परफॉर्म, अब ये पूछ रहा है कि आपको परफॉर्म राइट करना है, नहीं मुझे एडिट करना है। तो एडिट टोन, एडिट परफॉर्म, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइट परफॉर्म नहीं करना है, एडिट परफॉर्म करना है आपको, यानी टोन बनानी है, ठीक है, सेव नहीं करनी, सेव करेंगे हम बनाने के बाद में, ठीक है। तो ये यस पूछ रहा है कि एडिट परफॉर्म, तो यस एंटर कर दिया मैंने यहाँ से, यहाँ पर 100 चाहिए। तो अब देखिए कीबोर्ड वेलोसिटी, यानी ये अगर अगर मुझे टच रखना है, भी ये टच है, देख इस पर जितना तेज टच करेंगे वो उतना तेज साउंड करेगा। तो अब मुझे, मैं टच ऑफ करूँगा इसका। अब देखिए मैंने टच ऑफ कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं क्या काम करूँगा कि मैं इससे ही दो टोन में इसकी बनाऊँगा, ठीक है, दो टोन से मिला के इसको पहले देखूँगा और फिर मैं इसको सिंगल टोन से भी देखूँगा। तो अभी क्योंकि यहाँ पर जाने पे, ठीक है, तो मैंने इसको टच को ऑफ कर दिया दोस्तों, ठीक है। ये देखिए अब मैं आगे, सॉरी ऑफ कर दिया, आगे बढ़ूँगा। वेलोसिटी की, बोर्ड की जो वेलोसिटी, जो टच सेंस होता है वो जब हमने ऑफ कर दिया तो अब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्प्लिट पॉइंट 60, यानी 60। अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे ये कॉम्बो वाली लाइट जल रही है, तो यहाँ पर आपको बैकिंग वाला प्रेस करना है और फुल वाला प्रेस करना है आपको। तो ये फुल वाला बटन प्रेस करना है और आपको बैकिंग वाला बटन, ये दो बटन प्रेस करने हैं, तो यहाँ आपका कॉर्ड आ जाएगा। तो अब इसका देखिए, ये 60 है यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ तक है ये दोस्तों, इतना है ये, तो मैं इसको रखूँगा यहाँ तक। तो मैं यहाँ से बंद कर दूँगा इन बटनों को, तो मैं इसको डाउन कर दूँगा, मैं इसको 53 करूँगा यहाँ पर, ये देखिए 54 कर दिया मैंने। तो अब मैंने यहाँ 54 कर दिया इसको, ये 60 था पहले, ठीक है। तो अब मैं इसको 54 कर दूंगा, तो अब देखिए यहाँ पर अब मेरी जो साउंड है वो यहाँ तक ही बजेगी केवल। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ से 60 कर देता हूँ,
तो ये मेरी यहाँ तक बजेगी, मैं इसको यहीं तक रखूँगा, तो मैं ये वाले बंद कर दूँगा, 54 मैं इसको कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा कॉर्डिंग का सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए स्प्लिट पॉइंट मैंने 54 कर दिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ऑक्टेव मेन ऑक्टेव, अब इसको मैं माइनस करके देख लेता हूँ, तो ये मेरा ज़्यादा डाउन चला जाएगा। एक प्लस कर देता हूँ मैं इसको, अब देखिए ये जो मेन ऑक्टेव है वो मैंने प्लस वन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम, ड्यूअल ऑक्टेव अभी मैंने दूसरी टोन सेट नहीं की है, और एक बार हम उसको भी देखेंगे, डबल को भी टोन को सेट करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम स्प्लिट ऑक्टेव ये हमें सेम रखना है, उसमें वॉल्यूम मेन 120 रखेंगे हम। दोस्तों जितनी भी आप टोन बनाए उनका सेम रखें, तो आपका जो लेवल है टोन का वो सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने सभी टोन का अपनी का 120 ही रखा है, तो उसको सेम रखें आप। ड्यूअल वॉल्यूम, दूसरी टोन अगर मैं रखूँगा तो उसका मैं आपको बता दूंगा वॉल्यूम, स्प्लिट की टोन का इसका ये ज़्यादा है तो मैं इसको कम कर दूंगा। ठीक है, मैं उसको बहुत कम कर दूंगा। मैं इसको 60 रखूंगा। ठीक है दोस्तों, स्प्लिट के वॉल्यूम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम कॉर्ड वेस ये 90 है, वॉल्यूम ड्रम ये इसको मैंने नहीं छेड़ा है, बैकिंग ये भी मैंने नहीं छेड़ा है, पेन मैन ये मैंने नहीं छेड़ा है, और इसमें हाँ इसमें आप देखेंगे तो कॉर्ड का मोड मैंने 1 रखा है, और बाकी ये जो स्केल टाइप है दोस्तों आप इसको इक्वल ही रखिए। अगर आप इसको ये देखिए आर्विक रखेंगे तो ये आपके टोन पर फर्क आएगा इसका, तो आप इसको इक्वल रखें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, स्केल मोड मेन, अब स्केल यहाँ से आपको जिस भी स्केल का ये रखना है आपको आप वहाँ से रखें, तो मैं इसको सी से ही रखूँगा क्योंकि सी नोट से ही सारा कुछ होता है। ठीक है, तो मेरा ये सी पर आ गया है, मैं इसको बैक कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब बात रही इफ़ेक्ट की, अगर मुझे इफ़ेक्ट डालने हैं तो मैं डाल सकता हूँ, और वैसे मुझे इफ़ेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इतनी अच्छी बज रही है टोन। ठीक है, तो कीबोर्ड को ऑन करके देखते हैं, वेलोसिटी यानी टच पर है ये अभी, और इसकी वेलोसिटी फिर हमें कम करनी पड़ेगी, है ना। नहीं, इसको मुझे ऑफ ही करना पड़ेगा कीबोर्ड वेलोसिटी, है ना। तो इसका जो कीबोर्ड वेलोसिटी है ये इसके मुझे ये बढ़ाना पड़ेगा नंबरिंग। हाँ, तो अब ये हमारी टोन बन के तैयार हो गई। अब हम एक काम करते हैं, अब इसमें हम दूसरी टोन डाल के देख लेते हैं कि दूसरी टोन पढ़ने के बाद में किस तरीके से होगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम यहाँ से ड्यूअल को प्रेस करेंगे। ठीक है, अब ड्यूअल पे जो टोन निकल के आई वो आई स्ट्रिंग, और हमारी ये लैटिन ट्रम्पेट है 125 पर, तो 125 सॉरी ये है आपका, ये तो हमारा वो था यूज़र में,
इसको अगर हम डबल करेंगे तो हम इसी टोन को यूजर में से निकाल लेंगे। अब यहाँ से यूजर का बटन मैंने प्रेस किया और इसको 125 पे ले जाएंगे हम दोबारा। तो दोस्तों ये क्योंकि पहला है वो सेट किया हुआ था हमने, उसका टोन को पहले हमने एडिट किया था तो बहुत अच्छा ये बज रहा है ये साउंड। तो अब मैं इसका एक बार मैं इसका चेंज करूँगा। तो मैं इसका क्योंकि डबल का ऑक्टेव इसका भी एक प्लस करके देख लेता हूँ क्या साउंड आता है। ये साउंड तो बिल्कुल ख़राब आ रहा है, माइनस करके देखता हूँ ये साउंड भी ख़राब आ रहा है। तो ये भी ये डबल टोन हम इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है, मैंने हटा दिया उसको। ये देखिए क्योंकि सिंगल टोन से ही इतनी लाजवाब टोन बननी है तो फिर हमें डबल टोन की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसको और सेव करेंगे दोस्तों, है ना। तो अब सेव करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले फंक्शन प्रेस करना होगा। अब ये पूछ रहा है एडिट परफॉर्म, तो अब एडिट तो हमारा सब कुछ हो चुका है, हम इसको सेलेक्ट से लेफ्ट लेके चलेंगे। ये देखिए सॉरी, हाँ ये देखिए अब लेफ्ट लेके चलेंगे हम इसको। तो राइट सॉन्ग राइट परफॉर्म, अब हमें परफॉर्म राइट करनी है कि हमारी टोन तो बन चुकी है। और यहाँ देखिए अकॉर्डिंग सेक्शन, तो अब हम इसको राइट करेंगे टोन को। तो अब ये विलिंग कर रहा है, ये पूछ रहा है राइट टोन राइट परफॉर्म, तो यस करना है मुझे, यस। अब मुझे ये कितने नंबर पे सेव करनी है, ठीक है, तो अब मैं इसको 11 नंबर पे सेव करूँगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ 11 आ गया, अब मैं इसको यस करूँगा। अब ये पूछ रहा है आपको नाम इस टोन का क्या देना है, तो मैं इसका नाम दूंगा ट्रम्पेट। सेलेक्ट से आप आगे पीछे करके कर्सर से अक्षर निकाल सकते हैं, TRU। PP ट्रम्पेट, और आगे वाले अक्षरों को मैं काट दूंगा, ठीक है। जीरो कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया हमारा नाम ट्रम्पेट। अब ये पूछ रहा है यस इसी नाम पर सेव करना है, तो हाँ यस। अब ये पूछ रहा है राइट श्योर, आप श्योर हैं, तो यस। अभी हमारी टोन सेव हो गई, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इस टोन को कहाँ गई हमारी। अब हम कीबोर्ड को ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, यहीं ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। एक ये तो जो पैरामीटर वाली टोन थी वो है, अब इसको ऑफ करके ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारी यूज़र में वो कहाँ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस दबाएंगे अपनी और यूज़र दबाएंगे। अब देखिए ये मेरी स्ट्रिंग की टोन है, और
ये हारमोनियम है, ये सभी के दोस्तों में पैरामीटर डालूंगा, ये सैक्सोफोन है, ये टूटी है, ये ब्रास की टोन है, एक ब्रास दूसरा और है, ये दूसरा हारमोनियम है, शहनाई की टोन है ये, ठीक है दोस्तों। और फिर हमारी फ्लूट की टोन है, अकॉर्डियन की टोन है नौ नंबर पे, दस नंबर पे ब्रास की टोन है, दूसरा ब्रास है ये ब्रास टू, अब देखते हैं ग्यारह नंबर पे हमारी टोन, ये आ गई ट्रम्पेट हमारी जो हमने अभी बनाई थी, रिकॉर्डिंग सेक्शन है और तो दोस्तों इस तरीके से आप टोन बना सकते हैं। तो ये टोन आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।